परमहंस गीता जड़ भरत रहुगण संवाद। परमहंस गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के अंतर्गत रहुगण उपाख्यान के रूप में प्राप्त होती है। इसमें परमहंस अवस्था में विचरण करते परम ज्ञानी ब्राह्मण भरत की सिंधु नरेश रहुगण से भेंट होने तथा उनके द्वारा राजा को दिए गए गूढ़ तात्विक उपदेशों का वर्णन है। भरत नामक वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सर्वदा अद्वैत भाव में स्थित रहने के कारण बाह्यतः जड़ प्रतीत होते थे, अतः उन्हें जड़ भरत भी कहा जाता है। इस गीता में 10 इंद्रियां तथा अहंकार, ये 11 वृत्तियां मन की बताई गई हैं, जो माया के वशीभूत होकर सुख दुख का अनुभव कराती हैं। जब ज्ञान उदय द्वारा माया का तिरस्कार कर आसक्ति को छोड़ने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तब मनुष्य सुख दुख से परे हो जाता है। वह सदा परम आत्मा आनंद में डूबा रहता है। इस गीता में विषय वार्ता का त्याग, आत्म अनुसंधान, अनासक्ति तथा गुरु एवं श्री हरि के चरणों का आश्रय ही माया से बचने के उपाय बताए गए हैं। पहला अध्याय, जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हट्टा कट्टा, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। हे द्विजवर, कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ देंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो, ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया, इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो, तुम्हारा शरीर भी विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र, बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात
यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल रहा था। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्म भूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है, यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानीजन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता कृशता आधि व्याधि भूख प्यास भय कलह इच्छा बुढ़ापा निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं, मुझमें इनका लेश भी नहीं है। राजन तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर मैं मत्त उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं, मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। परीक्षित सिंधु सौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए इस प्रकार प्रच्छंद भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहां जन्म हुआ है और यहां कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सतत्व मूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं?
मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। हे साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोकों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासक और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञान रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणि महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। परमहंस गीता दूसरा अध्याय, राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। राजन, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जन उचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थ उचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सतत्व, रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों से शुभ अशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय, विषय आशक्त,
गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परम उत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषय आसक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इसकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण अपरोक्ष स्वयं प्रकाश अजन्मा ब्रह्म आदि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता तब तक वह इस लोक में यों ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु
और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। परमहंस गीता तीसरा अध्याय, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रहुगण ने कहा, हे योगेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। अपने परम आनंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। हे ब्रह्मन, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान हैं। इसलिए मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उसमें जो श्रम रूप फल होता है वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जड़ भरत ने कहा, हे पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है, पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंगली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूं, इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूं। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। और जिसके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा, छोटा बड़ा, कार्य कारण तथा चेतन और अवचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमात्म रूप, अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्म अनुष्ठान, देव अध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है।
जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। हे वीर, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। इसलिए विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। परमहंस गीता 4 अध्याय। भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दूरस्थ प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं, तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के समान आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धुमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावा नल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटों और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुधबुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं
और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। हे वीरवर, साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परम आनंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुदमन, यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, अहो, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिक अधिक समागम नहीं मिलता, आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके दो घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है और जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश्य पृथ्वी पर विचरते रहते हैं
उनसे हम जैसे ऐश्वर्य उन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरत इंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपक आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, इस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है, वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। परमहंस गीता 5वां अध्याय, भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सतत्व आदि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र तीन प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहां अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरण अरविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थ उचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िये गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वदा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से
तथा टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को जो गंधर्व नगर के समान असत है सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उल्मुख पिचास की अर्थात अगिया बेताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एक दो बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उस मरु मरीचि कालतुल्य विषयों की ओर ही दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारस्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिसका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो जहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे अपनी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति
यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छुप कर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका ओर छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धर्म को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झपट लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु अनेकों आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपाशा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्य अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्वि अपराध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र अति क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमति मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रौत समार्त कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहां बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्युकाल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से
इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहां तहां दूसरे के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहां का तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुए को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बधने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है, जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है। वे निवृत्ति परायण संयम आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवा अवस्था में ही विष्टा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तज्य पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेशमात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति सर्व अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता।